कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थीं। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थीं। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों, समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उद्रा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्स, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, सौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सांगड़पाणी भगवान श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त पुरुषों के संग से जिसका दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ आलाप करने तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मम विशेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनकी बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इसे ऐसे कि कहीं यात्रा के समय अशगुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा, ढोल, नरसिंह, धुंधुरी, नगारे, घंटे और धुंधुबियाँ आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विक बड़ी विचित्र चवर डुराने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान की तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण की अनुरूप नहीं थी, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थीं। वे आपस में कह रही थीं, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते, जगदात्मा ईश्वर में जीव विलीन हो जाते हैं और महत्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनकी अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया।
और व्यवहारिक के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय रोगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। हे सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आशक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्व गुणों को स्वीकार कर ऐश्वर्य सत्य रितम दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेक अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। यह पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी की पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। हे सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं जिसकी स्मरण मात्र से ही व्रजवालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहों बल से हर लाए थे तथा जिनकी पुत्र प्रद्युम्न सांब आम्ब आदि हैं, वीर कुमणी आदि आठों पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो उनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे कि स्वामी साक्षात कमलनयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजाती प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रवेश एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विक उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। हे सोनक जी, वे कुरुजांगल पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान की रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या बंधन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद में 11वां अध्याय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान की होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय
उनकी कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसी लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान की शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसी सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, विहर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। हे स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण